ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य का 21वां अध्याय। जालंधर के अंत के बाद यह दृश्य देखकर ब्रह्मादि सभी देवता आनंदित हो गए और शिवजी के पास जाकर उनको प्रणाम किया और बारंबार विष्णु भगवान के द्वारा की गई सभी लीलाओं की सराहना की। यह सब देखते हुए देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने हम लोगों की जालंधर के भय से रक्षा की है। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ और ही हो गया है, उसके लिए हम लोग क्या करें? विष्णु भगवान व्रत वृंदा के सौंदर्य में मुग्ध हो गए हैं और वृंदा की चिता पर ही बैठे हुए हैं। तब शिवजी बोलते हैं, हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सभी को शरण्य मोहिनी नाम की दूसरी माया के पास जाना होगा, वह तुम लोगों का कार्य करेंगी। राधे राधे। इसी प्रकार कार्तिक मास माहात्म्य का 21वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। राधे राधे। आज यम द्वितीया है, भाई दौज है, तो आज हम आपको भाई दौज की भी कथा सुनाने वाले हैं। यह त्योहार कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन के साथ साथ यमुना स्नान करता है, तिलक लगवाता है, बहन के घर ही भोजन करता है और यह सब कुछ अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसे दीर्घायु और अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्य तनिया यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वच्छ वस्त्र धारण कर मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। भाई दौज की कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी दो संतानें थी, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त कर्णों को नहीं सह पा रही थी, इसके कारण वह उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म हुआ, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया यम तथा यमुना से विमाता सा व्यवहार करने लगी। इस व्यवहार से खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम किया करता था। भाई को यह सब देखकर यमुना जी गोलोक को चली गई। बहुत समय व्यतीत होने जाने पर एक दिन यमराज को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया, मगर वह ना मिल सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत किया, सत्कार किया, साथ में भोजन करवाया। इससे प्रसन्न होकर यम ने उन्हें कोई भी वर मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाए। प्रश्न बहुत ही कठिन था, लेकिन यम ने कहा, ऐसा वर देने से तो यमपुरी का ही सर्वनाश हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे यह वरदान दीजिए, जो भी लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी में स्थित विश्राम घाट पर स्नान करेंगे, वह यमलोक न जाएंगे। यमराज ने इसे स्वीकार कर लिया। अतः यमतिथि के दिन, यम द्वितीया के दिन, जो भी सज्जन बहन के यहाँ भोजन नहीं करेंगे, मैं उन्हें बांधकर यमपुरी को ले जाऊँगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। भाई दौज की कथा के साथ ही गणेश जी की कथा सुनने के लिए भी आप आई बटन में से वीडियो देख सकते हैं, उसमें गणेश जी की संपूर्ण कथा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।